स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इवापोरेशन. ओके डियर स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स आर हैविंग डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इवापोरेशन एंड वेपराइजेशन. वेपराइजेशन एंड इवापोरेशन आर बोथ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स. ओके, वॉट इज द मीनिंग ऑफ इवापोरेशन? Evaporation means where change of states from liquid to vapor takes place without, this is the most important word, without the liquid reaching the boiling point. Now it is clear. Vaporization means where change of states from liquid to vapor takes place at a atmospheric pressure by reaching its boiling point, that is vaporization. वो अलग है. This is evaporation. In Gujarati typical word we are saying as bashpi bhavan. Okay, this is evaporation, where change of states from liquid to vapor takes place without the liquid reaching boiling point. अभी आपने देखा होगा, आप तो water cycle पढ़ चुके हैं. Most of students have prepared a project on the water cycle. Most of students have understood the project of water cycle. यहाँ पे क्या होता था evaporation में, जो water था surface, suppose surface of lake, river, ocean, surface के ऊपर जो वाटर का मेन लेयर था, वहाँ से इवोपरेशन स्टार्ट होता था. जैसे ही सन की लाइट उस लेयर के, उस सरफेस के ऊपर आती थी, उससे उसका क्या स्टार्ट हो जाता था, इवोपरेशन. दे स्टार्टिंग इवोपरेटिंग एंड फॉर्म दी वेपर. दैट वेपर गोज अपसाइड एंड देन कूल एंड कम्स डाउन. दैट प्रोसेस वॉज नोन एज कंडेंसेशन. ओके, सो इन दिस इवापोरेशन क्या हो गया, विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट the liquid has started to become vapor. Okay, so evaporation is clear in your mind, that evaporation and vaporization both are different things. Particles of matter are always moving and are never at rest. वो हमें पता है, कोई भी particles हो, कोई भी matter हो, वो always क्या करते रहते हैं, movement. वो कभी भी एक जगह पे नहीं रहते, कभी भी वो रेस्ट पे भी नहीं होते. इन द केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के केस में क्या होता है, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस. अभी मैंने आपको पढ़ाया सरफेस का यहाँ पे इम्पोर्टेंस है. एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी. डियर स्टूडेंट्स, जिसके पास हायर काइनेटिक एनर्जी है वो इजीली बाहर जा सकता है. दोज आर हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, दे कैन ब्रेक द अट्रैक्शन फोर्स. सो सरफेस जो है उसके पास है. देखिए यहाँ पे मैं ड्राइंग से आपको वो कंसेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ. देखिए, सपोज दिस इज अ वेसल. यहाँ पे जो लिक्विड है, यहाँ पे जो लिक्विड है, अगर आप उसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी सपोज के वन है, और यहाँ पे जो लिक्विड है उसकी काइनेटिक एनर्जी के टू है. एंड डियर स्टूडेंट्स, के टू इज ग्रेटर देन के वन. यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है उससे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे है, ऊपर. अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो ये इजीली इन लोगों के साथ बॉन्डिंग तोड़ सकता है. सो यहाँ से वो वेपर स्टेट में जाने की शुरुआत कर देता है. कब करेगा, कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करेंगे, या फिर कौन से फैक्टर्स उनको हेल्प करेंगे. एक एक्टिविटी दी गई है, ये वेसल का आप सरफेस देख सकते हो, एरिया देख सकते हो, मैंने बढ़ा लिया हुआ है. अगर सेम प्रैक्टिकल इतना ही अमाउंट लेते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब में करते हैं. अभी आप देखिए टेस्ट ट्यूब का सरफेस एरिया तो इतना सा है, ठीक है, बहुत छोटा है.
ग्लास ले लीजिए आप, बड़ा वाला ग्लास। यहाँ आप देख सकते हैं सरफेस एरिया बड़ा है, यहाँ का सरफेस एरिया। आप सॉसर ले सकते हैं, यहाँ पे उसको भी बड़ा सरफेस एरिया मिल जाएगा। तीनों में अगर आप वाटर रखेंगे 2 दिन के लिए तो आप देख सकते हैं ज़्यादा इवोपरेशन सॉसर से हुआ होगा, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है। उससे थोड़ा कम इवोपरेशन ग्लास से हुआ होगा और उससे थोड़ा कम टेस्ट ट्यूब से हुआ होगा। इन शॉर्ट अगर हमें 1, 2, 3 नंबर देना है सॉसर, टेस्ट ट्यूब और ग्लास का, तो मैं पहला नंबर इवोपरेशन में आएगा सॉसर का, सेकंड नंबर आएगा ये ग्लास का, और थर्ड नंबर होगा टेस्ट ट्यूब का। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग दैट इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ाओगे रेट ऑफ इवोपरेशन विल इंक्रीज। आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने आपको वाटर साइकिल का बताया, अभी एक नॉर्मली हम एवरीडे लाइफ में जो यूज़ करते हैं वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने ये तो ऑब्जर्व किया ही होगा कि आप कोई भी क्लोथ जब उसको वॉश करते हैं तो उसके बाद उसको पूरी तरह से निचोड़ देते हैं, ठीक है। आपको यही करना है, 2 क्लोथ्स लेने हैं सेम टाइप के, सेम मटेरियल के, दोनों को वॉश कर देना है, दोनों को पूरी तरह से निचोड़ देना है, और एक को आपको दोरी पे ऐसे पूरा फैला के सुखाना है और दूसरे को ऐसे ही कोने में पड़े रहने देना है, ठीक है। विच थिंग विल गेट ड्राई फर्स्ट? ऑब्वियसली जिसको आपने ऐसे पूरी तरह से फैलाया है उसका सरफेस एरिया आपने क्या कर दिया है, इंक्रीज, और दूसरे का सरफेस एरिया कितना रहा था, छोटा। वो जल्दी से ड्राई नहीं होगा। ड्राई कौन होगा? जिसका सरफेस एरिया हमने बढ़ाया है, जिसको हमने दोरी पे अच्छी तरह से फैलाया था, ओके। सो एज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेस। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ओके। इवोपरेशन इज द सरफेस एरियल फिनोमिना। इवोपरेशन इज द सरफेस एरियल फिनोमिना। सेकेंड थिंग डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ इवोपरेशन विल इंक्रीज। जिसका ज़्यादा टेम्परेचर है तो वहाँ पे इवोपरेशन बढ़ेगा, ओके। डियर स्टूडेंट्स, एज समर, हॉट समर, ओके, एज द वी आर सेइंग दैट अगर ज़्यादा हीट है समर में तो बारिश भी ज़्यादा होगी। ऐसा हम क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज इंक्रीज इन द टेम्परेचर कोजेज हाई रेट ऑफ इवोपरेशन। ड्यू टू दैट इवोपरेशन द वेपर विल गो इन दी स्काई एंड दे फॉर्म अ क्लाउड एंड विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन इट विल कम एज अ रेन। सो इंक्रीज इन द टेम्परेचर विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी कम है तो रेट ऑफ इवोपरेशन विल इंक्रीज। ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। अगर एयर में पहले से ही वाटर वेपर ज़्यादा है तो इवोपरेशन नहीं होगा। बिकॉज वी आर हैविंग द लिमिट। एयर की भी एक लिमिट होती है वाटर वेपर को स्टोर करने की। अगर ज़्यादा वहाँ पे ह्यूमिडिटी रहेगी तो हम ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाएंगे। सो डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन। एंड द लास्ट वन डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन द विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड ज़्यादा है तो वो जो हमने वेपर जो थे इवोपरेट हुए थे वो विंड अपने साथ कैरी कर लेगी, तो एटमोसफियर में वो वेपर्स नहीं रहेंगे। अगर एटमॉस्फेयर में वो नहीं है तो एटमॉस्फेयर में जगह बन जाएगी नए वेपर्स के आने की। सो इंक्रीज इन द विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन। डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द टॉपिक। फर्स्ट वन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सेकंड वन इंक्रीज इन द टेम्परेचर, थर्ड वन डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी। एंड व्हाट इज ह्यूमिडिटी? तो आपको आंसर लिखना है, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। एंड द फोर्थ वन इंक्रीज इन द विंड स्पीड। आई होप डियर स्टूडेंट्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक इवापोरेशन।
Thanks for watching this video, dear students. Thank you so much.